इसकी पूजा भी की जाती थी। नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी मानव नील गाय के संपर्क में थे। मुगल काल के दौरान इसके शिकार का भी जिक्र मिलता है। मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा में जिक्र मिलता है कि वे इसके शिकार पर काफी क्रोधित हो गए थे। भारत के अलावा यह नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। 2001 में हुई गणना के मुताबिक भारत में इनकी संख्या करीबन 10 लाख थी। यह बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकती है और खराब से खराब सतह पर बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकती है। यह कम आवाज करती है लेकिन लड़ाई के वक्त बेहद तेज आवाजें निकालती है। यह 200 किलो के लगभग भारी होती है और कई बार तो बाघ भी इसका शिकार नहीं कर पाते। यह इतनी अधिक ताकतवर होती है कि इसकी टक्कर से छोटी गाड़ी भी पलट जाती है। ये घने जंगल में जाने से परहेज करती है और घास, कटीली झाड़ियों